रोक केबल हटाओ विनाश कर अगर अपने घोषणा पत्र के अंदर यह शामिल किया मध्य प्रदेश की जनता इतना करारा जवाब देगी कि शायद उनको यह ध्यान में आ जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी और संगठन प्रबंधित करने या उनकी शाखाओं पर रोक लगाने या किसी को किसी स्वयंसेवी संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोकने का जो कदम है वह कांग्रेस को इससे मुक्त भारत है इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सर 25 तारीख को संत जमा हो रहा है। राजभर जी का जो बयान आ रहा है बार बार कि नाम बदलना सिर्फ एक ड्रामा है और अपने मुस्लिम नेताओं के नाम बदल दें, ऐसा राजभर जी के बारे में मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि राजभर जी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के विस्तार के लिए लगे भाजपा की विचारधारा पर भाजपा के निर्णय पर उनको सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो सवाल उठा रहे हैं तो गलत है और मैं समझता हूँ हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। संतों का सम्मेलन शुरू हो रहा है राम मंदिर निर्माण को लेकर, तो संतों को सम्मेलन अभी दिल्ली में किए हैं और भी कहीं करेंगे, संतों को सम्मेलन करने से कौन रोकेगा। सबको संतों संत लोग सम्मेलन करें, राम भक्त लोग सम्मेलन करें, पत्रकार लोग करें, चिकित्सक लोग करें, सम्मेलन तो कोई भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरी छूट है, जहाँ तक श्री रामलला की जन्मभूमि की बात है वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण अवश्य होगा और यह जरूर मैं स्पष्ट करूँगा जब तक मामला न्यायालय के समक्ष हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि उस स्थान पर बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी। एक और सवाल यह है कि अयोध्या जो है वहाँ पर मांस मदिरा की बिक्री पर रोक था, अब आपने जिला बना दिया है और मांस मदिरा बिक रही है तो उस पर कैसे गलत होगा उसको ठीक करने के लिए भाजपा क्या करेगी? जो गलत होगा उसको ठीक करने के लिए ही मोदी जी और योगी जी की सरकार।